Hello, students, welcome back to the channel. Or again, we are here with the same chapter. We are continuing. This is part two for the chapter Geography, Geography Class 6th. Alright, so what we were doing? We were doing the latitudes and longitudes. सो फर्स्ट वी स्टार्टिड द लेटिट्यूड्स सो प्रिवियसली वी हैव सीन की जैसे एक्सिस है ग्लोब है और इम्पॉर्टेंट जो लाइन्स हैं वो हमने स्टार्ट कर दी थी लैटिट्यूड्स के सर्कल्स तो नाव वी आर गोइंग टू सी द इम्पॉर्टेंट पैरल ऑफ़ द लैटिट्यूड राइट सो वेन वी आर सींग इम्पॉर्टेंट पैरल्स ऑफ द लेटिट्यूड इट्स Only include इसमें आप सिर्फ वो वाले latitudes को पढ़ते हो जो किसी वजह से बहुत important हैं latitudes तो so as we know कहाँ से कहाँ तक है फ्राम uh, one डिग्री टू ninety डिग्री ओके तो और इसमें एक latitude डोंट forget zero डिग्री वो लेकिन ये ग्रेट सर्कल होता है तो इसको कभी भी आप parallels ऑफ latitude में काउंट नहीं कर सकते पैरल ऑफ latitude जहाँ तक हम बात करेंगे तो so, ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि दैट शुड बी देर ऑन द अर्थ लाइक इज दिस इज ग्रेट सर्कल जीरो डिग्री इट शुड बी ऑन बोथ द साइड्स लाइक दिस सेम डिग्री सेम हियर एंड हियर एंड हियर सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग ऑन ऑल राइट सो नाउ यू हैव टू सी कि एज आई टोल्ड यू दैट यू शुड बी केयरफुल वाइल डूइंग दी इम्पॉर्टेंट पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड जीरो डिग्री नहीं उसमें लिखेगा जीरो डिग्री ग्रेट सर्कल होता है नाउ बिसाइड्स द इक्वेटर द नॉर्थ पोल टिल नाइन्टी डिग्री ओके नॉर्थ पोल इज एट नाइन्टी डिग्री ऑल द नंबर्स फ्रॉम जीरो वन टू नाइन्टी एंड साउथ पोल दैट इज ऑल्सो नाइन्टी डिग्री पर उसके पीछे क्या लिखा है एस साउद डायरेक्शन के लिए देर आर फोर इम्पॉर्टेंट पैरल यानी कि फोर ऐसी लाइन्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वाट आर दीज

उसके बाद एंटार्कटिक सर्कल सेम एंटार्कटिक सर्कल आपका लेकिन सदन एमोस्फेयर में है बट द डिग्री इज सेम लेट सी इन द डायग्राम विच इज गिवन हियर लेट मी शो यू ओके सो ऑन दिस स्क्रीन यू कैन इजिली फाइंड आउट ये डायग्राम है 2.3 डायग्राम है आपकी बुक में एनसीआरटी में इन द सेंटर दिस लाइन विच यू आर हैविंग ये ये है जीरो डिग्री दिस इज इक्वेटर ओके फ्रॉम वेयर दिस इज गोइंग टू स्टार्ट अब इसके आप नॉर्थ में जाओगे तो आपको नॉर्थ में जाते हुए यू हैव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ आर्टिक सर्कल सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री नॉर्थ एंड ऑन द टॉप जाने के बाद आपको नाइनटी डिग्री फॉल मिल जाएगा नॉर्थ पॉल उसके बाद ये है आपका सर्दर्न एमिसफेयर में यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सेम डिग्री ट्वेंटी थ्री एंड हाफ बट एस इंडिकेटिंग सदर्न एमिस्वेर फिर आपका ये है एंटार्क्टिक सर्कल सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री साउथ ओके एंटार्क्टिक सर्कल क्यों बोलते हैं इसको क्योंकि यहां पे एंटार्कटिक जो Antarctic का है एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है ओके और इसको नॉर्दर्न एमिस्वेयर में आर्कटिक सर्कल क्यों बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर आर्कटिक ओशन है तो ये ध्यान रखिएगा ये उसके लोकेशन के ऊपर कोई भी नाम कहीं पर भी आप कोई नाम देखोगे तो इट मस्ट बी इंस्पायर्ड फ्रॉम सम काइंड ऑफ लैंड बॉडी और सम काइंड ऑफ एनोमिला एंड एट द एंड इज द साउथ यू हैव द साउथ पोल विच इज नाइन्टी डिग्री बट एस अब अगर आप इसको नॉर्थ में देखोगे तो नॉर्थ में आपको क्या मिलेगा नॉर्थ में आपको यही डिग्री जो है नाइन्टी डिग्री नॉर्थ एन ये मिलेगा ये आपका नॉर्थ पोल हो जाता है ओके

तो आपकी इक्वेटर के ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों जगह ये जो एरिया है दिस वन दिस इज टॉरिड जोन ये सबसे गर्म एरिया है क्योंकि जो आपका सन है उसकी जो सन रेज है ओके okay, जो सन सन की जो सन रेज होती है वो डायरेक्टली थ्रू आउट द ईयर इस पे पड़ती है और सन काफी दूर है ठीक है ये फोटो में आपको मैंने ऐसे दिखाया आपके चैप्टर वन के अंदर भी ऐसा एक फोटो है इवन चैप्टर नंबर फोर थ्री एंड फोर में भी आपको मिलेगा ऐसा जिसमें आप मोशंस ऑफ अर्थ देखोगे ठीक है तो यहां पर आपके पास ये है टॉरेट जोन इट्स वेरी हॉट इसको ट्रॉपिकल भी बोलते हैं ओके जहां पर भी ट्रॉपिकल वर्ड आप सुनो तो ध्यान रखना कि इट इज हॉट एरिया नियर टू इक्वेटर सेकेंड जोन आपका ये वाला दिस वन दिस वन इज द सेकेंड जोन अब इस सेकेंड जोन के अंदर आप देखोगे ये वाला जोन और ये वाला जोन जो है ये सेम कलर में है इसके ही फीचर आपको सेम मिलेंगे तो अगर आप टोरेट जोन में भी इफ यू वांट टू डिवाइड ना तो नॉर्थ टोरेट जोन साउथ टोरेट जोन जो है वो आप बना सकते हो अकॉर्डिंग टू द हेमेस्फेयर तो ये ऊपर जो है ये है टेम्परेट जोन ये है साउथ का नीचे सदर्न हेमिस्फेयर में दी साउथ टेम्परेट जोन अब टेम्परेट लिखा है तो इसका मतलब टेम्परेट को अगर इफ यू वॉन्ट टू यूज द सेम वर्ड तो इट विल बी मॉडरेट सो so, टेम्परेट में मतलब होता है मॉडरेट टेम्परेचर यानी इट मस्ट बी हैविंग द सीजन और लास्टली आपके पास होता है फ्रीजेड जोन तो नॉर्थ पोल में यहाँ पे सिक्सटी सिक्स एंड हाफ से 90 डिग्री के बीच में साउथ में भी सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री साउथ से लेके 90 डिग्री तक आपका ये क्या होगा फ्रीजेड जोन तो घर पे फ्रिज होगा फ्रिज में सबसे ऊपर वाले हिस्से में क्या होती है यहाँ पे आइस होती है ना स्नो आइस आइस बोलते हैं स्नो नहीं बोलेंगे स्नो फॉलिंग वाली होती है आइस होती है मतलब बहुत ठंडा होता है तो ये जो फ्रीज होता है ना फ्रीज जो वर्ड होता है वो इसके लिए होता है तो ये जो अर्थ है आपका ऐसे ही सबसे ठंडी जगह जो होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में होती है यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्लेशियर सबसे ज्यादा कवर स्नो कवर शीट्स यहाँ पे सबसे ज्यादा होती हैं सो दिस इज यू आर हैविंग तो दीज आर द थ्री वट यू हैव दीज आर द थ्री हीट जोन्स

okay three zones remember this thing this is one two and three this is one two and three this is all similar charlie now let's move on to the explanation of these torrid zones all right let's go now moving further with the next one page now here it is these are the heat zones all right these are the heat zones of the earth we call these zones as a heat zones of the earth जो अभी आपने पीछे देखी तो यहां पर द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हैड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल एटीट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दिस एरिया दे फोर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड कॉल द टॉर जोन इट्स वेरी ट्रू आपका जो अर्थ है द अर्थ गेट्स द सन रेज एग्जैक्टली exactly, आपने देखा होगा इसको आप मम्मी से पूछेंगे तो सबसे लंबा दिन सबसे छोटा दिन वी हैव सर्टेन सेलिब्रेशन ऑन द दो डेज तो उस दिन फास्टिंग भी होती है और कई तरह के हमारे फेस्टिवल भी इससे कोरिलेट करते हैं और अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट है ओके इफ द सन इज हियर बहुत दूर होता है ध्यान रखना पर आ, काफी बड़ा है तो ये जो सन रेज आती हैं ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट सनरेज आपकी कहां पे आएंगी यहां पे इस एरिया में आएंगी ओके सो दिस पार्ट विच इज रिसीविंग द मैक्सिमम सनरेज इज नोन एज ज़ोन ओके विच यू हैव जस्ट सीन इन योर प्रीवियस यू जस्ट वी हैव सीन दी डायग्राम ना तो ये आपका टॉरेट जोन होता है और आपके अर्थ जो है दिस इज मूविंग अराउंड द सन सन के चारों तरफ अर्थ जो है वो ऐसे घूम रही होती है रिवॉल्विंग अराउंड द सन तो दिस इज वॉट यू हैव तो इससे क्या होता है आप सन इज लिटिल टिल्टेड ऑल्सो एक्सिस वाला याद है ना तो so, ये जिस तरफ भी आपकी जाएगी अर्थ उसी तरफ जो है सनरेज इसको सबसे ज्यादा मिलेंगी दैट्स वाई यू सी इन इंडिया वी हैव द सीजन्स वी हैव Uh, winter, summer, so because of this movement of the earth only, so that's why you don't have a torrid zone everywhere or you don't have the fixed temperature. So, torrid zone is fixed at the central part of the earth. So, here you have see torrid zone first, first zone. Now, when we say uh, the midday, now here it is the midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन वी ऑल नो दॉपिक ऑफ कैंसर जहां पर इंडिया है ओके नर्दन एमोस्फेयर के अंदर तो यहां पर आप योगा डे मनाते हैं। तो योगा डे कब आता है योगा डे कम्स ऑन जून राइट right? तो उस दिन क्या होता है योगा डे ऑन ट्वेंटी फर्स्ट ओके तो उस दिन होता है आपका योगा डे एंड दैट डे आपका जो मैक्सिमम हीट है वो हमारे अर्थ के नर्दन हेमस्फेयर में आपकी सबसे ज्यादा होती है और यहाँ पे कौन सी वाली लाइन पे आती है सबसे ज्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और ये अपोजिट होगा आपके सर्दर्न एमोस्फेयर में और विंटर्स में आप देखोगे तो आपको यही वाली चीज जो है जब हमारे यहाँ विंटर होती है तो साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे सेम सिचुएशन हो जाती है वहां गर्मी बढ़ जाती है तो यानी ये जो एरियाज हैं ये वाले ये जो एरियाज हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और कैंसर के आसपास के एरिया हैं थ्रू आउट द ईयर दे डोंट गेट द सेम काइंड ऑफ टेम्परेचर दे हैव मॉडरेट बैलेंसड आउट मतलब विंटर्स होती हैं फिर समर्स होती हैं समर्स के बाद विंटर विंटर के बाद समर एंड इन इन बिटवीन देर आर सम मोर फिनल इंडिया में मॉनसून भी होता है सो बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस

स्लेंट हो जाएगी तो बिकॉज ऑफ दिस वी डोंट रिसीव थ्रू आउट द ईयर सेम टेम्परेचर इन ऑन द ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर और द कैप्रिकॉन तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन पे ह हाँ पूरा साल में इक्वेटर की तरह गर्मी नहीं मिलती है तो ये सीजनस होते हैं यहाँ पे तो इनको आप यहाँ पे कैसे बाउंड्री क्रिएट करेंगे कैसे बनाएंगे टेम्परेट जोन जो ये एरिया होता है जहाँ पर डिक्रीजिंग होता है यू नो पोलर साइड पे लेकिन पोल तो अभी बहुत दूर है तो उसके ट्रॉपिक को आपकी इक्वेटर से लेके पोल के बीच में कोई एरिया तो आएगा जहां जिसको आप बोलेंगे ट्रांजिक्शन कि धीरे धीरे करके टेम्परेचर या सीजन में डिफरेंस आएगा तो ये जो एरिया है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल ठीक है एंड इन सउदर्न हेमस्फेयर या ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ एंड एंटार्कटिक सर्कल ये दो कैसे हैं इनमें ये वाले वो एरिया जो मॉडरेट टेम्परेचर रिसीव करेंगे अब जो अर्थ का सेंटर का पार्ट था वो तो बिल्कुल गर्म था दैट वॉज द टॉरेट जोन ठीक है बट जो इसके बाद का एरिया होगा बिफोर वी रीच टू पोलर एरिया ये वाला दोबारा बनाओ ये देखो ये टॉरेट जोन आप इसको अलग कर दो ये वाला जो एरिया है यहां पर इसके ऊपर की तरफ जब जा रहे हैं ये फ्रिजिड जोन के नीचे ये वाला एरिया ओके जहां मैं डॉट 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 बना रही हूं ना ये एरिया ये एरिया कैसा होगा इट इज हैविंग द मॉडरेट तो दिस मॉडरेट टेम्परेचरचर एरिया इधर इट इज इन नॉर्दर्न हेमिसफेयर और इन सदर्न हेमिसफेयर ओके ये जो आपका एरिया है दिस एरिया विल बी कॉल्ड द टेम्परेड जोन ओके द टेम्परेड जोन एंड

ओके okay. ये नर्दन हेमिसफेयर के अंदर यहाँ पे आपका आर्कटिक सर्कल ठीक है टिल द नॉर्थ पोल तो ये आपका क्या बनेगा यहाँ पे एक सर्कल का एक जोन यहाँ क्रिएट होगा क्योंकि इक्वेटर से सबसे दूर है देखो इक्वेटर तो इट इज इन सेंटर तो इससे सबसे दूर यही वाला एरिया है और सदर्न हेमिसफेयर में जाएंगे तो एंटार्क्टिक सर्कल टू साउथ पोल तो ये सर्कल एंड टू साउथ पोल यहाँ पर जो है इज वे दिज बोथ आर वेरी कोल्ड इट इज बिकॉज द सन रेज डू नाट यू नो कम सो क्विकली दे टेक लॉड ऑफ टाइम सो दन रेज आर वेरी स्लेंट दे आर नॉट रीचिंग ऑन टाइम दे आर नॉट रिसिविंग सो मच तो दिस एरिया बिकम्स वेरी कोल्ड बिकॉज इनफ हीट नहीं प्रोड्यूस हो पाती यहाँ पर कहाँ पर पोलर एरिया में दिस एरिया 90 डिग्री एंड 90 डिग्री दिस एरिया वी डोंट गेट दिस इनफ सन रेज ये सिलेंट हो जाती हैं तो क्या है दिस एरिया बिकम वेरी कोल्ड लाइक एज इन योर फ्रीजर सो दैट इज कॉल्ड द फ्रीजड जोन सो दिस इज द थर्ड वन जोन सो दिस इज वॉट वी हैव इन जोन्स नाउ लेट मी शो यू द एक्सपेरिमेंट विच इज बीन शोन ऑन दिक ऑन दिस पेज

अगर ये ये तो हो गई बिल्कुल सीधी पर अर्थ तो ऐसी नहीं है कि सीधी हो राइट right? इसको आप ये कह सकते हो कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ इस सेम तरीके से ले रहा होता है लेकिन अर्थ तो स्लैंड है है ना अर्थ इज स्लेंटिंग तो दिस सेकेंड पिक्चर 2.4b दिस वन इज द एक्चुअल वन इमेज एक्चुअली बिकॉज अर्थ इज टिल्टेड द तो सन टॉर्च जो सन है तो उसकी सन देखो कैसे जा रही है और उसके दूर के हिस्से में जो है और दूर के हिस्से में जो है इट विल बी नॉट रिसीविंग इनफ सन रेज टू गेट हीटेड अप सो टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन द स्लैंटेड सरफेस इज लेस ब्राइट देन कवर्स अ बिगर एरिया तो डेफिनेटली सनरेज तो आपको आपने देखा होगा कई बार कई आ, ऐसा मौसम होता है जब सन तो नहीं दिखता लेकिन लाइट फिर भी दिखती है मतलब यू कैन यू आर एबल टू सी इन योर सराउंडिंग तो दैट इफेक्ट विल बी देयर बट उसमें गर्मी नहीं लगती क्योंकि हीट जो है आप तक नहीं आती है बट सन रेज आर रिफ्लेक्टिंग ऑल ओवर द स्काई सो दैट इज वर्किंग हियर so this is how it is working you just raise. you can do this experiment by yourself by uh, you know putting a torch and holding a round surface in your hand with like a ball a tennis ki ball or something. then you will see the reflection of the uh, uh, this light how this uh, work actually how this goes like this so you can do this experiment easily to understand how it works so you got this one. That that we have the three zones. First the torrid zone. First the torrid zone. Second the temperate zone. These these both are present on both the hemisphere. And the lastly frigid zone. So the color why these different colors because green to green so that you can correlate that in northern hemisphere it is south also. Orange to orange, this is because north may be a south may be a zone purple. You can see in the north and in south also. So, this is how you can imagine that these are quite large areas. Now, we next one um, in this chapter we have the longitudes. Okay, so in longitudes, this one is given. These are the standing lines, these are the standing lines, vertical lines we call them out. And these are half circles. Okay. If you remember, the latitudes were the sleeping lines or you can say horizontal lines. And from uh, 0 to counting 1, 2, 3, 4 to 90. So 90 uh, circles. Okay. Circles. Remember, circles. So they are parallel. Second 90 at the southern hemisphere. So 90 plus 90. How many are there? Yes. Calculate. 180 so total latitudes were 180 but here if you see on this picture then you will find this is the longitude these are half circles okay so if we divide our earth into two equal parts like this this is eastern hemisphere and this is western hemisphere then you will find that 180 half circle on one side 180 half circle on the other side so what is the total 180 what is the total yes 360 so total longitude half circles will be 360 and whereas the latitudes are 180 okay so this one we will be doing here in the next part part number 3 that will be the last part of this chapter so that is here we will be doing longitude as well as the calculation of the time so this is now part 2 ending and we will see in the part 3 the last part of this chapter if you like the explanation you can just go for the further chapter reading and if you want to understand it again so you dubara video dekhna and still you have in any query put them into the comment section just write them in the Comment section. Okay, this is how we make the comment section so that you can write down. So yeah, comment section. I'll be writing the answer there only. So I hope you like it. And if you like it, just give a thumbs up to it and don't forget to share it on your WhatsApp status on the Facebook or any other platform. And uh, just spread the education as maximum. That is the best work we can do to our nation.